हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आनंद लेते होंगे एम सी का तो दोस्तों आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट वन सी एफ के टॉप टेन एम सी क्यू डिस्कस करने जा रहे हैं चुन चुन के लेके आए हाथ से लिखे हैं एम सी क्यू ओके तो दोस्तों चलो क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर वन बोलता है नेम ऑफ़ द ऑर्बिटल्स दे लाई बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस ओके सो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है हमें कि नेम ऑफ द ऑर्बिटल्स दे लाई बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द नेम ऑफ द ऑर्बिटर्स दे लाई अलॉन्ग द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा लाई इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से ऑर्बिटल्स हैं वो इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस लाई करते हैं तो दोस्तों हमारा आंसर होगा इसमें जो कि आंसर तो है हमारा ओके okay.

तो सेकंड क्वेश्चन इज दैट फ्रेंड्स जैसा कि सीएफटी के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन सेट किए तो क्वेश्चन बोल रहा है सेकंड हु प्रपोज सी तो ऑप्शन वन इज दैट न्यूटन ऑप्शन सेकंड नरेंद्र मोदी ऑप्शन थर्ड थे एंड ऑप्शन फोर्थ डार्विन ओके फ्रेंड्स सो हु प्रपोज सी सो फ्रेंड्स सी को किसने प्रपोज किया था ओके okay. अगर सी एफ टी प्रपोज की बात करते हैं फ्रेंड्स हम तो सी एफ टी को प्रपोज किया था किसने बेथे ने प्रपोज किया था आप कमेंट करके बताओ चलो जल्दी कि बेथे ने कब सी एफ टी को प्रपोज किया था तो फ्रेंड्स बेथे ने सीएफटी को प्रपोज किया था कब इन 1929 ओके नाइनटीन ट्वेंटी में बेथे ने सी एफ टी को प्रपोज किया था नाउ द थर्ड वन क्वेश्चन इज दैट फ्रेंड्स द क्वेश्चन नंबर थन इज दैट आइडेंटिफाई द निगेटिव लिगेंट्स हमें निगेटिव लिगेंस आइडेंटिफाई करना है ओके सो ऑप्शन नंबर वन दिया है नॉन ऑफ द अबाव ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है दैट इज साइनाइड फ्लोरीन एंड क्लोरिन ओके एंड ऑप्शन थ्री दिया है एन एस टू मीन्स अमाइनो एंड एस टू मीन्स एक्वा ओके एंड ऑप्शन नंबर डी दिया है बोथ ए एंड सॉरी बोथ बी एंड सी ओके सो हमें निगेटिव लिगेंस आइडेंटिफाई करना है तो फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा जो साइनो है क्लोरो है एंड क्लोरो है दिस ऑल लिगेंड्स ओके बताना कि एस टू ओ एंड एन एस टू है किस टाइप के लिगेंस से करके ओके okay. नाउ जम्प करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के ऊपर ओके सो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर इज दैट क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी इज इक्वल टू जो सी एफ ऐसी फुल फॉर्म होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी ओके इसका जो फार्मूला है वो क्या है वो हमें बताना है तो ऑप्शन नंबर वन में दिया है ऑप्शन नंबर वन माइनस ऑफ जीरो पॉइंट फोर इन टू पी प्लस जीरो पॉइंट सिक्स इंटू क्यू इंटू डेल्टा ओ ऑप्शन बी है जीरो पॉइंट फोर इंटू पी माइनस जीरो पॉइंट सिक्स इंटू क्यू इंटू डेल्टा ओ ऑप्शन सी है नन ऑफ द दबाउ एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर है ओके okay, जो क्वेश्चन नंबर फोर है इसका जो राइट right आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स और राइट आंसर ये हो जाएगा कि जो हमारा फार्मूला है क्रिस्टल फ्यू स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्रिस्टल फ्यू स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी दैट मींस जी निगेटिव साइन इंडिकेट दैट फ्रेंड्स आप सभी लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर भी करें ओके okay? शेयर ना करें बल्कि लाइक जरूर करें ओके okay? बहुत ज्यादा बच्चे देख रहे हैं फिर भी आप कम लाइक हैं हंड्रेड लाइक का टारगेट रखकर चलते हैं आज के वीडियो के ऊपर चलो लाइक कीजिए ओके तो क्वेश्चन नंबर फाइव इन क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाजेशन एनर्जी नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट्स करता है जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाजेशन एनर्जी क्वेश्चन नंबर फोर में दे, देखा था मैंने बताया कि क्रिस्टल कि फील्ड स्टेबिलाजेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट फोर इंटू पी माइनस जीरो पॉइंट सिक्स इंटू की इंटू डेल्टा ओ तो जो इनिशियली नेगेटिव साइंस होता है वो क्या इंडिकेट्स करता है सो ऑप्शन नंबर वन एनर्जी एब्जॉर्ब ऑप्शन नंबर बी एनर्जी कॉन्स्टेंट ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन नंबर डी एनर्जी रिलीज सो फ्रेंड्स

तो आप साथ हम जम्प करेंगे अभी सीधा क्वेश्चन नंबर सेवन सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेवन आ गया है क्वेश्चन नंबर सेवन क्या बोल रहा है विस वन सेंटेंस आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू जॉन टेलर इफेक्ट तो हमारे इफेक्ट दिया गया है इसमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो करेक्ट है वो हमें बताना है चलिए ऑप्शन नंबर वन क्या कहता है डिस्टॉर्शन डिस्टॉर्शन इन इन टेलर रेगुलर जॉमेट्री ऑप्शन नंबर बी जीरो टू जीरेड टेड एंड टू जीरेड इज अलाउड ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन नॉ सो फ्रेंड्स आप सभी को पता ही होगा जॉन टेलर इफेक्ट क्या होता है जॉन टेलर इफेक्ट सिंपली ये होता है कि जो हमारी जोमेट्री होती है एनी स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स की जोमेट्री होती है तो उस जोमेट्री में रजिस्ट्रॉस लाना दैट मीस जॉन टेलर इफेक्ट इन सिंपल जॉन टेलर स्टेट इन रेगुलर जोमेट्री सिंपल आपको ध्यान में रखना है जॉन टेलर स्टेट द डिस्टॉर्शन इन रेगुलर जोमेट्री इज द राइट आंसर ओके सो राइट आंसर इज द डिस्टॉर्शन इन रेगुलर जोमेट्री इज कॉल्ड द टेलर इफेक्ट क्वेश्चन जाते हैं क्वेश्चन नंबर एट बोल रहा है इफ द कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन ओके इफ द कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन विथ सेंटेंस करेक्ट ओके सो जो कॉम्प्लेक्स अगर हमारा हाई स्पिन का रहता है तो जो पेरिंग ऑफ एनर्जी रहती है वो लेस देन डेल्टा वो रहती है दैट मीन्सटो स्टेबिलाईनर्जी ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि फेयरिंग ऑफ एनर्जी इज ग्रेटर देन द क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी डेल्टा ओ एंड ऑप्शन नंबर सी है नाइदर ए एंड नॉर बी एंड ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी सो फ्रेंड्स यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा जो अगर कॉम्प्लेक्स हाई स्पिंस रहता है ओके हाई स्पिंस मतलब जो so इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ड्यूर के ओके okay, वह दैट इज सिंगल फ्यूड रहेंगे ओके सिंगल फ्यूड रहेंगे तो हाई स्पिन रहेगा, ओके फेड रहते हैं तो लो स्पिन रहता है सो फ्रेंड्स तो उसमें हमारा आंसर हो जाएगा जब हाई स्पिन्स रहता है तब जो पेयरिंग ऑफ एनर्जी रहती है तो फ्रेंड्स जो पेयरिंग ऑफ एनर्जी रहती है ना ओके सो पेरिंग ऑफ एनर्जी इज ग्रेटर दैन द किस्टर फिस्ट एवलाइस एनर्जी दैट इज डेल्टा ओ ओके नाउ तो क्वेश्चन नंबर नाइन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नाइन के ऊपर जप मारते हैं तो क्वेश्चन नंबर नाइन से फार सेम लिगेंट एंड मेटल आय द रिलेशन बिटवीन द Uh, that is delta t and delta o is given by okay. Delta t is a that is tetrahedral geometry ka hai, and delta o is a octahedral complex. Ka hai, okay, uh, that is delta t is equal to crystal field stabilization energy in, of tetrahedral complex and delta o is equal to crystal field stabilization energy in octahedral complex. Okay, now jo hai, for the same ligands and metal ion pair, the relation between the delta t and delta o is given by. देखो यहाँ पर सिंपल बताया हम यहाँ पर कि जब सेम लिगेंस होते हैं एंड मेटल्स मेटल्स आयन की फेल होती है तब जो रिलेशन होता है डेल्टा टी का एंड डेल्टा ओ का वो कैसा होता है ओके okay, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसको इंपॉर्टेंस करके देखो ओके आई ये पूछ ही सकता है ओके okay, सो so इसमें फ्रेंड्स अगर बात की जाए जो रिलेशन होता है वो क्या होता है डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो तो पॉइंट फोर फाइव डेल्टा ओ एंड बी ऑप्शन बोल रहा है कि डेल्टा टी इज इक्वल टू तो फोर बाय नाइन इंटू डेल्टा ओ ऑप्शन नंबर सी बोथ ई एन बी एंड the option number d is that absolute favorite none of the above so friends for the same ligands and metal ions the relation between delta t and delta o is both a and b both a and b should be the right answer friends both a and b should be the right answer note down okay now we can jump the questions number 10 and this one is the last questions okay so questions number 10 in numerical problems the crystal field एनर्जी ओकेस्टल फ्री एनर्जी फॉर दिटेनियम प्लस इज ट्वेंटी एनर्जी ओके क्रिस्टल पीस टेबल एनर्जी फॉर दिस कॉम्प्लेक्स ओके मैंने क्वेश्चन नंबर फोर में आप लोगों से जो फार्मूला है क्रिस्टल पीस टेबले का वो भी डिस्कस किया है ओके इसमें क्या है दैट इज सी एफ एस ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ जीरो फोर इंटू पी माइनस जीरो पॉइंट सिक्स इंटू की इंटू डेल्टा ओ ओके सो यहाँ पर जो डेल्टा ओ की वैल्यू है स्टोर फील्ड एनर्जी की जो वैल्यू है वो दी हुई है गिवन है ट्वेंटी थाउजेंड वन हंड्रेड सेंटीमीटर इनवर्स एंड फ्रेंड्स यहाँ पर जो टिटानियम है टिटानियम प्लस थ्री ओके इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पिकेशन फाइंड आउट करते हैं तो सोलूशंस के ऊपर मैं बढ़ना चाहूँगा ओके सो आप लोगों को सोलूशंस सोल्यूशंस में दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स ओके जो टिटियानियम होता है टिटानियम का जो एटोमिक नंबर है एटोमिक नंबर है ट्वेंटी टू

जो डेल्टा वो में जो स्प्लिटिंग होती है ओके okay, फिर टी टू जी एंड ई में तो टी टू जी में जो इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा एंड ई में जीरो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ओके दैट्स वाई जो पी की वैल्यू है ओके पी पी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स इन टी टू जी आर बाइटल्स एंड क्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स इन ई जी आर बाइटल्स सो फ्रेंड्स पी इज इक्वल टू वन एंड क्यू इज इक्वल टू जीरो पुड्स प्रॉपर वैल्यू इन प्रॉपर फार्मूला क्रिस्टल फ्यूस्टेब्लाइन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट फोर इन टू पी ओके माइनस जीरो पॉइंट सिक्स इंटू क्यू इस पर पुट करने का अपन पी की वैल्यू वन है क्योंकि जीरो है ओके सो पुट किया हमने माइनस जीरो पॉइंट फोर इंटू जैसे कि दिया है पुट किया यहाँ पर ओके इंटू टू ट्वेंटी थाउजेंड वन हंड्रेड जो कि गिवन वैल्यू है डेल्टा ओ की ओके okay, सो so हमें यहाँ पर रिजल्ट मिला और रिजल्ट में हमें मिला माइनस दैट इज़ एट जीरो फोर जीरो सेंटीमीटर इनवर्स ओके माइनस एट जीरो फोर जीरो सेंटीमीटर इनवर्स देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन में क्या बोलता है ओके सो फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया है ओके सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि द क्रिस्टल फील्ड एनर्जी फॉर एक्सैक् व टिटानियम प्लस थ्री इज ट्वेंटी थाउजेंड वेड सेंटीमीटर इनवर्स कैलकुलेट द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर दिस कॉम्प्लेक्स तो ऑप्शन नंबर वन इज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर इनवर्स ऑप्शन नंबर बी इज माइनस दैट इज एट थाउजेंड फोर्टी सेंटीमीटर इनवर्स एंड ऑप्शन नंबर सी इज दैट इज 8040 सेंटीमीटर इन्वर्स एंड नैन ऑफ द ओके सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर है हमारा आंसर मैंने क्या बताया था आपको आंसर बताया था कि माइनस एट थाउजेंड फोर्टी सेंटीमीटर फोर्टी सेंटीमीटर इन्वर्स आता था, था। ओके तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पर प्लस फोर थाउजेंड सेंटीमीटर इन्वर्स भी दिया गया है ये देखिए आप ओके okay. सो so, आप जल्दी में जल्दी में दूसरे ऑप्शन पे भी टिक करते हैं वैसी गलती ना कीजिए ओके सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी माइनस एट थाउजेंड फोर्टी सेंटीमीटर वी द राइट आंसर ओके सो दोस्तों ये थे टॉप टेन एम ऑफ केमिस्ट्री आप सभी को कैसे लगे हैं अगर अच्छे लगेंगे तो लाइक करें ओके और कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि न्यू टॉपिक पर एंड न्यू यूनिट पर न्यू न्यू वीडियोज चाहिए करके ओके तब तक के लिए बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट जय हिंद जय महाराष्ट्र थैंक यू